रुद्रा में मैं पहली बार ऑन स्क्रीन, मैंने इच्छाधारी में भी डबल रोल किया था, लेकिन पूरी फिल्म इच्छाधारी में मैं कभी भी एक साथ पर्दे पर डबल रोल में नहीं आया हूँ। एक हीरो मर जाता है, दूसरा हीरो आता है। रुद्रा फिल्म एक बाप बेटे की कहानी है। मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है ये, कि पहली बार मैं बाप के रोल में भी मैं ही हूँ और बेटे के रोल में भी मैं ही हूँ। रुद्रा एक बड़ी ही कमाल की पारिवारिक फिल्म है और प्रतिशोध की भावनाओं पर बन रही ये फिल्म है। और इसमें सिर्फ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि सिर्फ एक हीरो यश कुमार नहीं है, हीरो यश कुमार के साथ दूसरा हीरो जो है फिल्म का घोड़ा है। अभी तक भोजपुरी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल तौर पे कि घोड़े को सिर्फ एक जीव की तरह इस्तेमाल किया गया, एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया गया है, एक सवारी की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन रुद्रा फिल्म की खासियत यह है कि रुद्रा फिल्म का जो घोड़ा है वो दूसरा हीरो है फिल्म का। वो जो काम हीरो कर रहा है पर्दे पर, मारना, एक्शन करना, वो सेम चीज़ हमारा ये घोड़ा करता हुआ नज़र आएगा। कम्प्लीटली लैंग्वेज में कहा जाए, एक फुल पैकेज में कहा जाओ, तो रुद्रा फिल्म एक ऐसी फिल्म बन रही है जो भोजपुरी दर्शकों को हैरत में डाल देगी कि क्या घोड़ा भी इस कदर एक्टिंग कर सकता है। तो बड़ी कमाल की फिल्म बन रही है जिसका नाम है रुद्रा। बहुत बड़े एक्शन के साथ बन रही है। साउथ के प्रोड्यूसर लोग हैं, डायरेक्टर राकेश भारद्वाज जी हैं। एक बड़ी ही नायाब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तो मुझे लगा कि सच में बहुत ही अलग फिल्म। एक्चुअली चूँकि मुझे जाना ही एक्शन की वजह से जाया जाता है, मेरी पहली फिल्म जो दिलदार सांवरिया आई थी उसमें ही, अगर उसको आप देखें या जिन लोगों ने देखा है, तो उसमें एक अलग प्रकार का एक्शन आया था और वहाँ से एक्शन की ही वजह से मुझे लोग जानना शुरू कर दिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी आने वाली जितनी भी फिल्में हैं उसमें एक्शन बिल्कुल अलग अलग नज़र आए। और रुद्रा के एक्शन के लिए खास तैयारियां ये चल रही है कि मैं इसमें थोड़ा सा मार्शल आर्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ और घोड़े को भी स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है। जो घोड़ा जहाँ से आ रहा है वो ट्रेंड घोड़ा आ रहा है जो कंप्लीट कैमरे के सामने जिस तरीके से बोला जाए वो फाइट कर सके। देखिए, एक एक्टर के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक्टर की हर फिल्म उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, और वो हर फिल्म को लेकर के एक्साइटमेंट में से भरा रहता है। मैं पहली फिल्म से और आज ये रुद्रा मेरे ख्याल से मेरे करियर की 15वीं फिल्म है। हर फिल्म के साथ मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ता जाता है क्योंकि दर्शक जिस तरीके से प्यार देते रहते हैं तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती रहती है दर्शकों के प्रति। सन 2016 का ये अक्टूबर महीना चल रहा है, आज 24 अक्टूबर को मेरी रुद्रा का मुहूर्त हो रहा है। सन 2016 की अब तक की सबसे बड़ी तीन हिट फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रियल में सुपरहिट हुई हैं। उसमें दूसरे नंबर पर अभी मेरी इच्छाधारी फिल्म है जो इस साल की सबसे बड़ी कलेक्शन करने वाली फिल्म है। तो इतने बड़े रोल में मुझे लोग देख चुके हैं, अब उसके आगे आने वाली फिल्मों में अगर छोटा देखेंगे तो उनको निराशा हाथ लगेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी फिल्में आ रही हैं मेरी, एक से बढ़ के एक आएँ, एक से बड़े एक लेवल पर आएँ। 18 नवंबर को मेरी एक रंगदारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर आधारित है। पहली बार भोजपुरी में रियल घटना पे बनी हुई फिल्म होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुख्यात माफिया थे श्री प्रकाश शुक्ला, जिनका एनकाउंटर हुआ था 1999 में। तब किया गया था उनका एनकाउंटर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ में सुपारी ले ली थी। तो उस कुख्यात माफिया के ऊपर एक कमाल की फिल्म बनी है रंगदारी टैक्स, वो रिलीज़ हो रही है। इसके बाद से एक मंजुल ठाकुर जी के निर्देशन में मैंने काम किया है, एक रजाई तीन लुगाई, वो एक अलग फ्लेवर की फिल्म होगी। एक्शन राजा का फर्स्ट लुक अभी 2-4 दिन में आप लोगों के बीच में आ जाएगा। नाम से ही लग रहा होगा कि बड़ी एक्शन फिल्म है, एक्शन राजा ही नाम है उसका। इसके बाद से और भी काफ़ी फिल्में आ रही हैं मेरी। अभी मैंने मोहब्बत जिंदाबाद एक फिल्म कम्प्लीट की है। पहली बार लव इस हद तक जा सकता है पर्दे पे, वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अलग अलग प्रकार की फिल्में कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। परसों मेरी एक फिल्म फ्लोर पे जा रही है जिसका नाम है कसम पैदा करने वाले की, उसमें मैं पहली बार मदारी का रोल कर रहा हूँ। उसमें भी एक तौर पे कहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यश के साथ एक दूसरा हीरो घोड़ा है, तो कसम पैदा करने वाले में तीन हीरो हैं। पहले हीरो का नाम है यश कुमार, दूसरे हीरो का नाम है बंदर, तीसरे हीरो का नाम है कुत्ता। एक मदारी का रोल कर रहा हूँ और मदारी के साथ बंदर और कुत्ता भी वो करतब करते हुए नज़र आएंगे जो भोजपुरिया पर्दे पे नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैंने हिंदी की भी काफ़ी फिल्में देखी हैं, बंदर और कुत्ते को इस लेवल तक एक्शन करते हुए, इस लेवल तक कमाल करते हुए कभी किसी ने पर्दे पे नहीं देखा होगा, जो मेरी अगली फिल्म में है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैंने हमेशा से अलग किया हूँ और अलग करता रहूँ। धन्यवाद।
रुद्रा फिल्म के बारे में सबसे पहले तो हम भोजपुरी कलाकार अरुण सिंह, आप सब मीडिया के माध्यम से भोजपुरी श्रोता को प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। आगे की बात हम भोजपुरी में करना चाहते हैं। रुद्रा फिल्म के हीरो हमारे मित्र यश मिश्रा जी के आज फिल्म के मुहूर्त भइला और हमार शुभ आशीर्वाद बा फिल्म के पूरी टीम के, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, हीरो के, हीरोइन के, जो भी बा फिल्म के जुड़ल सब लोग के हमार हार्दिक शुभकामना बा। इसके अलावा किस तरह से जुड़े हैं आप फिल्म के साथ, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इस फिल्म से हम एज ए फ्रेंड ही जुड़े हुए हैं। अभी तक हम इस फिल्म में काम कर नहीं रहे, लेकिन विश देने के लिए, प्यार आशीर्वाद दुलार के लिए हमें बुलाया गया है, उसके लिए हम सम्मिलित हुए हैं और हम आशीर्वाद यही देंगे कि हमारी एक भोजपुरी फिल्म एक अच्छी बनने जा रही है जिसका नाम है रुद्रा, और इस पूरी टीम को हार्दिक बधाई है, स्वागत है। यश कुमार के बारे में अच्छी लाइन यही है कि यश जी एक नेक इंसान है और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे हीरो हैं, हमारे इंडस्ट्री के खंभा हैं। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हमारी आने वाली फिल्म बाप रे बाप अभी रिलीज पे है, दूसरी फिल्म संतोष मिश्रा की पहली नज़र को सलाम, जो कि वो भी कंप्लीट हो चुकी है, वो शायद जनवरी में रिलीज होने वाली है। तो रुद्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे, आज मुहूर्त होने वाला है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मुहूर्त हो चुका है और मैं यश कुमार जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा रुद्रा फिल्म के लिए। अच्छी स्क्रिप्टिंग है, अच्छी कास्टिंग उन्होंने की है और हमारे साथ में अभी फाइट मास्टर जी भी आए हुए थे और पूरी टीम के मेम्बर्स भी आए हुए हैं। सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये फिल्म अच्छी दर्शकों में जाए और अच्छी अचीवमेंट्स करें, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू मनोज भाई। शुभकामनाएं तो शुभकामनाएं होती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी यश मिश्रा जी को और यश कुमार जी को और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल टीम को। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आज अपनी पिक्चर का मुहूर्त है और सबसे पहले यश कुमार मिश्रा जी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस फिल्म के लिए और मैं कोशिश करूँ कि अच्छे अच्छे गाना बनाऊँ। तो फर्स्ट गाना है अच्छा गाना बनाया साउंड में, अपनी फिल्म का दूसरा गाना सुना देता हूँ, पहले गाना सुनाऊँगा। तोसे कितना प्यार करी ले तो के ना अंदाज बा, तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा, तू कहबू त जी अब ये रानी, तू कहबू त हम मर जाइब, तू कहबू त जी अब ये रानी, तू कहबू त हम मर जाइब। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दीपक सिन्हा तमाम सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत अच्छी फिल्म की मुहूर्त हो रही है रुद्रा फिल्म, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यश मिश्रा जी हीरो हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, चूँकि उनकी हर फिल्म में एक अलग ही फिल्म होती है, बहुत अच्छी फिल्म होती है, बहुत अच्छा उनका अभिनय होता है, और अगर मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी खुशी वाली बात है। आई फील प्राउड फॉर दैट। तो बस यही दुआ है कि इस फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे लोग हैं और फिल्म अच्छी बने, हमारी दुआ है और आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। पहली फिल्म है भोजपुरी में, तो मेरी यही है कि सब लोग देखें पिक्चर और अच्छी बनेगी। यश जी हमारे हीरो हैं, राकेश भारद्वाज जी हमारे डायरेक्टर हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, कैमरामैन नज़ीर मैन है, एक्शन हीरा यादव जी है, और अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पहली बार भोजपुरी बना रहे हैं। हाँ, मुहूर्त लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है और मुहूर्त भी अच्छी तरह से हुआ है और अच्छा ही होगा जो भी होगा आगे। भोजपुरी की फिल्म के बारे में मेरी तो पहले तो मतलब हो गया 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ भोजपुरी मूवी और अच्छी लग रही है जी। क्या खास बात? आगे मैं तो थिएटर मतलब सब फैमिली के साथ जाएंगे, देखेंगे तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी, मेरा तो यही कहना है। अच्छी है स्टोरी, मेरी है स्टोरी, मेरी है स्क्रीन प्ले और डायलॉग वगैरह के मनोज सिंह जी ने लिखी है और वो तो बहुत अच्छे राइटर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। बस
नहीं कुछ नहीं बोल रहे वही ठीक है ठीक है एक बोल रहे वही रिपीट होगी मैं बोल रहा हूं अपने हीरो के बारे में क्या कहेंगे दो लाइन अच्छी बुरी कुछ बात भाई दोनों बोलिए हां दोनों बोल दीजिए अच्छे जसमा जी बोल बस ये बोलना चाहता हूं उनका क्या अच्छे बात लगता है एक्शन गाना गाना एक्शन एक्शन डांस और उनका जो केमिस्ट्री रहता है एक गाना गवा रहे हैं उनसे और जो इनकी केमिस्ट्री रहती है हीरोइन के साथ अच्छी रहती है तो आप सब जानते ही है इसके लिए बस थैंक यू। इस फिल्म का नाम रुद्रा है, ये हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं यश जी उनके नाम पे आधारित है और इस पहली बार उन्होंने इस फिल्म में डबल रोल किया है और फुली एक्शन मूवी है ये फुल एंटरटेनमेंट। घोड़ा का क्या कैरेक्टर है आपका जी? ये घोड़ा जो है ये इस फिल्म का एक अहम पात्र है। और इसके अलावा स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज किया आपने फिल्म के लिए? स्क्रिप्ट के हिसाब से किए, मनोज टाइगर जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, तनुश्री हैं और बस ये मेन स्टार कास्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बीइंग अ कैमरामैन मैं यही कहना चाहूँगी कि राकेश भरद्वाज जी है जो बहुत अच्छे मित्र भी है और हमने यही सोचा है कि मतलब इस फिल्म को एक अलग ही रूप दे, एक अलग अंदाज में शूट करे जो कि किसी एंगल से रेगुलर सिनेमा जैसा ना लगे। ठीक है, तो एक स्टाइलाइज्ड फिल्म होगी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक्शन फिल्म है तो इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा और राकेश जी और हम एक अच्छी कॉम्बिनेशन में इसको एक अच्छे रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है और कौन सी लोकेशन पर? 20 दिसंबर से संजान में गुजरात। थैंक यू। और एक्टर प्ले कर रहा हूँ जो है कॉमेडी भी है थोड़ा निगेटिव भी है। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और हमारे एक्शन किंग यश कुमार मिश्रा जी जो है इसके लीड हीरो हैं और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एक जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये घोड़ा भी एक जो है ना, ये भी एक हीरो है, इसका भी फुल मतलब इसके अंदर जो है किरदार। क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म से किस तरह से जुड़े हैं? हाँ, अभी मैं अपने किरदार के बारे में मैं कुछ खास नहीं बताऊंगी लेकिन रुद्रा का नाम ही अपने आप में एक रुद्र का अवतार है और जिस तरह की स्टोरी है बहुत बढ़िया है और इसमें एज ए हीरो का जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे यश जी हैं तो फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी और इसके जो प्रोड्यूसर हैं लक्ष्मण जी बहुत ही मतलब अच्छी फिल्म का स्टोरी लेके आ रहे हैं तो लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि पारिवारिक स्टोरी है और अब जितनी भी स्टोरी आ रही है सब एकदम अलग हट के आ रही है, एकदम जैसे जो पूरे परिवार के लोग एक साथ देख सकते हैं तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है और मैं अपने बारे में बाद में बता सकती हूँ। यश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यश जिसका नाम ही यश हो उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तो इनके बारे में कौन नहीं जानता, बताने की ज़रूरत उसके लिए पड़ती है जिसका कोई नाम ना हो। और यश जी बहुत ही बढ़िया एक अच्छे हमारे स्टार हैं और आप लोग सामने देख ही रहे हैं। I'm blushing यार। यश जी क्या कहना चाहेंगे? पुष्पा जी बड़ी ही अच्छी अभिनेत्री हैं और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और रुद्रा फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश है और फिल्म देखने के बाद यूँ तो सब कहते हैं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ लेकिन यकीनन आपको रुद्रा में बिल्कुल अलग कुछ देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेबल होगा ये वादा है। मेरी आने वाली फिल्म है रंगदारी जो 18 नवंबर को रिलीज हो रही है, उसके बाद एक रजाई तीन लुगाई रिलीज होगी, उसके बाद मोहब्बत जिंदाबाद रिलीज होगी, एक्शन राजा रिलीज होगी। परसों मैं जा रहा हूँ अपनी नई फिल्म के शूट पे जिसका नाम है कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की जस्ट बाद में एक फिल्म का शूट करने वाला हूँ, उसका नाम होगा, शायद नाम जो होगा वो बजरंगी बाहुबली सुपरस्टार होगा। और उसके बाद मैं जो रुद्रा का शूटिंग करूंगा 20 दिसंबर से, तो लाइनअप है फिल्मों के, आती रहेंगी चीज़ें, आप सब तक पहुंचती रहेंगी, आप सब मीडिया वाले हैं, आप लोग तो मेरी जानकारी लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं, शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। तो दर्शक लोग मेरी हर चीज़ों से वाकिफ होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। दो दिन पहले ही हम लोगों ने मीटिंग किया था इस पिक्चर के बारे में और इसका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है तो हम लोगों ने बिल्कुल शूटिंग के पहले ही से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको इस मूवी को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए और किस ढंग से बननी चाहिए जो आज का माहौल है और हर एक टेक्निकली एंड जो विजुअली है वो बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ है और उसी ढंग से इसको शूट किया जाएगा। क्या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होगी फिल्म? हाँ, ये सीक्रेट है और ये बिल्कुल नए अंदाज में इस बार आएंगे। सीक्रेट है बट मैं अभी मेरे करियर का ये तीसरा साल चल रहा है, तीसरे साल में मैंने करीब ये 15वीं फिल्म का मुहूर्त है बट आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं परसों ही वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और YouTube से जितने भी रिलेटेड मेरी जानकारी होगी अब आप लोगों को वर्ल्ड वाइड के ही जरिए मिलेगी।
तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को अलग मुकाम पे लेकर के जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारे रत्नाकर जी के ऊपर है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं रत्नाकर जी के साथ जुड़ा हूँ और वर्ल्ड वाइड कंपनी हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है और कोशिश है अच्छा करेंगे क्योंकि हर एक दिन हम लोगों को तो नया ही देना है और हर एक दिन कुछ नया ही देखने को मिलता है और उसमें डिस्कशन पहले हो जाए वो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो लोग होने के बाद डिस्कस करते हैं तो उसमें फिर मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। तो इस टाइम जो है वो पहले से ही प्लान अगर हो तो वो एक अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल इन्होंने ली है और ये फर्स्ट स्टेप है तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से निभाएंगे। थैंक यू। मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे रुद्रा के बारे में? रुद्रा फिल्म की स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा नहीं मालूम, मैं रुद्रा के एक्टर के बारे में बहुत मालूम है। वो जहाँ जहाँ जाता है वो अपनी धजा पताका एकदम लहरा के आता है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड द फिल्म टू। इसके अलावा क्या खास बात लगी आपको यश जी की जो आपने बोला कि सब साइड अपना मुकाम कर आपने फिल्म देखी है उसकी एक भी? जी सर। हाँ, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? अच्छा, उनके उसका, के बारे उसका में काम उसका काम ही दिखा देता है, अपन क्या बोलेंगे उसके बारे में। रुद्रा मूवी क्यों देखी उसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, रुद्रा मूवी क्यों देखी उसके बारे में दर्शकों को बताइए। रुद्रा मूवी का फ्रेंकली मुझे ज़्यादा अंदाज नहीं है, मगर कुछ अलग होगा। उसका पोस्टर देखा तो वाइट घोड़े पे यश है तो कुछ अलग अंदाज होगा ऐसा जरूर समझ में आ रहा है। अभी तो बहुत मजल बाकी है उसकी, बहुत चढ़ना है, बहुत चलना है उसको, होएगा धीरे धीरे, टाइम दे दो उसको थोड़ा दो चार हफ्ते दे दो उसको। यश जी को देना चाहूंगी, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तब मैं आप लोगों को दूंगी बारी बारी से। सबको मैं प्यार देना चाहूंगी, क्लियर कर देती हूँ। आजकल मेरा बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा है, हाँ। तो देने लेने में मैं सिर्फ प्यार में ही माहिर हूँ, उसके आगे मेरा कुछ बाकी नहीं। नफरत किसी को चाहिए भी नहीं, सब प्यार के ही भूखे हैं। नहीं, कुछ जन है जिनको नफरत चाहिए बट उनको भी आज प्यार देने ही आई हूँ मैं। That's great. देखिए यश जी बहुत स्वीट है, हम लोग मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं और मैं पहली बार तो क्लियर करूंगी कि महुआ चालों में जब मैं पहली बार इनसे मिली थी मैं बहुत नर्वस थी और ये अकेले वो इंसान है जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था कि साथ में और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे उन लोग के साथ साथ होने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं दिखाया जितना इन्होंने दिखाया और मेरे लिए तो ये बहुत क्यूट स्वीट हार्ट हैं। इनके साथ काम कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ और मैंने आपको बहुत मिस किया लुटेरी मूवी में क्योंकि मेरा एक चंक आपके साथ था लेकिन आपका तबीयत खराब था इसलिए हम लोग नहीं। बहुत छोटी सी सिंपल सी शुभकामना ये है कि यश मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं और हमारी इनकी जोड़ी इत्तेफाक से बहुत लंबी चली आ रही है। हमने एक फिल्म की थी साथ में, राजा जी आई लव यू, फिर हमने एक बहुत अच्छी फिल्म अभी साथ में की इच्छाधारी जो बहुत बड़ी हिट हुई और फिर योद्धा में इनके साथ काम कर रहा हूँ, मोहब्बत जिंदाबाद में इनके साथ काम कर रहा हूँ तो इनके साथ कंटिन्यू काम करने का मुझे मौका मिल रहा है और भोजपुरी में अच्छे हीरो की बड़ी ज़रूरत है। एक और अच्छा हीरो आया है, इसके लिए मेरी दिल से शुभकामना है कि फिल्म में हिट होती रहें और ये फिल्म बहुत अच्छी चले और यश कुमार ऐसे आगे जाते रहें, यही मेरी शुभकामना है। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना? जी, मेरी आने वाली फिल्म एक हिंदी में है, लाइव बिरयानी, इसके अलावा प्यार मोहब्बत जिंदाबाद और एक फिल्म और है आतंकवादी जो भी करने जा रहा हूँ एम आई राज साहब के साथ जिन्होंने मुझे पहला हिंदी में ब्रेक दिया था, एक और विस्फोट, तो इनके साथ अभी तुरंत जाने वाले हैं हम लोग, आतंकवादी फिल्म है, यही दो एक प्रोजेक्ट है। और हर तरह के हीरो के साथ काम करता हूँ मैं, किसी को नाचने नहीं आता, किसी को चलने नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उनकी कमियां नहीं बताना चाहता। यश बहुत ही ज़्यादा मतलब उभरते हुए कलाकार हैं और एक के ऊपर एक हिट दिए जा रहे हैं वो, और मेरी शुभकामनाएं उनकी कि हर फिल्म उनकी हिट हो और मैं भी उनके साथ काम करूं। क्यों सर? बिल्कुल यही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया अच्छा हीरो मिले, यही शुभकामनाएं यश के लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यश कुमार को मुबारकबाद दूंगा खासतौर से इस फिल्म के लिए क्योंकि इसका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, रुद्रा अच्छे एक टाइटल है, डिफरेंट टाइटल है, भोजपुरी से एक डिफरेंट है। एक चीज़ और भी अच्छा है कि यश जितने भी फिल्में करते हैं मुझे मैं देखता हूं कि हमेशा कुछ न कुछ डिफरेंट करने की वो कोशिश में लगे रहते हैं और वो करते भी हैं,
चाहे सब्जेक्ट वाइज हो चाहे एक्शन वाइज हो, तो एक जो जोश है यश में ये एक जो देखने को मिलता शुरू से ही। तो मेरी तो ये बस यही प्रार्थना है और यही उनके लिए दुआ है कि ऐसी अच्छी से अच्छी फिल्में करते रहें, और इस फिल्म के लिए ख़ास तौर से बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट जो? जी मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ आतंकवादी, जिसके नायक हैं खेसारी लाल, तो वो नेक्स्ट मंथ में सेट पे जा रही है, उस पर काम चल रहा है। थैंक यू। है कैमरा ऑन है ना? वो रात में सोता है, सुबह उठते ही पता नहीं कितने घंटे की बैटरी चार्ज रहती है, दिन भर उस आदमी का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, हमेशा कूदता रहता है, एक सेकंड के लिए बैठता नहीं। यही मेरे समझ में नहीं आया कि वो बैटरी बनी कहाँ है। वो इतना एक होता है ना आदमी का, बोलते हैं चार्ज एक होता है और चार्ज बहुत एनर्जेटिक, वो इतना एनर्जेटिक है कि वो कूदते रहता है। समझ में, थकते भी हो, उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बंदा थकता ही नहीं, और यही उसकी जीत है, यही उसकी जीत है। थैंक यू। ग्लोरी के साथ मैं जब पहली बार काम किया था, मैं तो सिर्फ नाम सुन रहा था, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, लेकिन मैंने काम नहीं किया था। हमारे जगदीश शर्मा डायरेक्टर हैं, जिनके फिल्म में पहली बार ग्लोरी के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे लुक्स हैं इसके, बहुत सिंसियर है, और हर कोरियोग्राफर चाहता है कि आइटम में इस जैसी लड़की मिले जो अच्छा परफॉर्म कर सके। और आइटम जो होता है, आइटम गाना खास करके, वो एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत बड़ी बात है। उसको अपना स्कोप होता है उसके अंदर, और वो उसके मन मुताबिक अगर काम कर दे आइटम लड़की, तो कोरियोग्राफर की जीत है उसमें। ऐसे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है हमें। मुझे सर का वो पहला जो शूट था, तब भी सर ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, ऑफकोर्स मिले वो कॉम्प्लीमेंट था, उन्होंने मेरे आँखों का शॉट लिया था और आके मुझे बोला, बेटा मैं तुझे एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, जी सर बोलिए ना, तो मेरे लिए फुगावा शिल्पा शेट्टी लग रही है, और मैं इतनी खुश थी, बिकॉज मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि शिल्पा शेट्टी जैसा लुक करना, ऊपर से उन्होंने मुझे डांसिंग के लिए मोटिवेट किया। और मैं सबको बताना चाहूँगी, भोजपुरी से हट के भी सर ने मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया था, जी टीवी में जो एक सीरियल मतलब डांसिंग का शो आया था, दिल से नाचे इंडिया का, उसमें सर ने मुझे बकायदा परफॉर्म करवाया था, और अपने स्टेप्स अपने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाए थे। तो थैंक यू सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, और मैं तो चाहूँगी कि मैं सर के साथ बार 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 काम करूँ, और सर ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। जी पहले तो मैं पूरी फिल्म की यूनिट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और नाम में अपने आप में ये भगवान शंकर का नाम है, ये नाम अपने आप में बहुत पावरफुल है। और फिल्म के कलाकार जो यश मिश्रा अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, और ही इज गोइंग बहुत फास्ट जा रहे हैं, और आप ज़्यादा नहीं 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखेंगे ही विल बी ऑन द टॉप। सेकेंडली हमारे जो दीपक शाह जी हैं, इस फिल्म को जो प्रमोट करें, जो फाइनेंसर हैं, जो कि सबसे बड़े पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हमेशा उनकी एक सोच रही है कि फिल्म अच्छी बनाएं, अच्छे ढंग से बिजनेस करें, अच्छा मेकिंग हो, अच्छा रिजल्ट हो। और सारे आर्टिस्ट जैसे कि हमारी बगल में मैडम ने अपना आइटम डांस करी, इनका देखा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, रिक्की जी हैं, तो इट्स वेरी गुड, और मैं होप करता हूँ कि फिल्म अपने आप एक माइलस्टोन होगी। बात करें जैसे कि आप भी जो है एक्टिंग में नजर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई फिल्मों में जी, तो रुद्रा में भी आपकी भूमिका कुछ नजर आई? भाई रुद्रा में मेरी भूमिका नजर आना ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टर, अगर मेरे लिए कुछ रोल होगा आप साथ में अगर मेघनाथ करोल करेंगे तो मैं कर लूँगा रावण करोल, कोई इशू नहीं है। और संजय जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात है कि यहाँ तक काम करने का सवाल है, कोई इशू नहीं है। तो एक जैसे एक फ़न है, और एक काम करने का दिल से आदमी आर्टिस्ट होना चाहिए, और एक फिल्म को एक ग्रेस देने के लिए फिल्म के हर कलाकारों का योगदान रहता है, संगीतकार का योगदान होता है, सिंगर का होता है, DOP का होता है, सारे हर लोग मिलकर एक पूरी एक ताना बाना मुल्क एक जो चादर तैयार होती है ना, वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है, जो कि समाज के लिए पब्लिक के लिए एक हम एक जो प्रस्तुत करें ना, उनका प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये ऑल टुगेदर गुड लुक एंड वेल परफॉर्मिंग और कम्प्लीटली फुल इम्पैक्ट एंड कम्प्लीट, ये चीज़ होना चाहिए कि आपको परफेक्शन विथ ऑल परफेक्ट, और ये फिल्म में है ऐसा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं ये कहना चाहूँगी कि यश जी के वजह से जो है मैं इस मुहूर्त में आई हूँ, यश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बने और मार्केट में आए, रिलीज होके। और जो अभी जैसे यश जी का जो रोल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यश जी का रोल देख के तो मुझे लग रहा है कि मतलब
जैसे हिंदी मूवी में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स धर्मेंद्र जी के देखे हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, तो उनकी यादें जो हैं ताज़ा हो रही हैं। नागेश जी बगल में खड़े हैं, आपके क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नागेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, जब भी मिली हूँ अच्छे ही दिखे हैं मुझे। और नागेश जी अब कितना खुश लग रहा है, क्या करा ये आपकी प्रतिभा है उसके रिफ्लेक्शन आना मुझे, और ये इस फिल्म के मुहूर्त के मौके पे आना और आप लोगों के बीच में करना, ये देखना, और आप लोग जो मीडिया को जो सबसे बड़ा थैंकफुल मैं होता हूँ कि आपने इन चीज़ों को आपने उसको एक्सपोज किया, उनको पब्लिक तक लाया है, और एक एक आदमी का इसमें, एक एक कैमरामैन का, एक एक जो लेवल लाइट में जो कर सपोर्ट कर, जो माइक लेके हमारे भाई बंधु खड़े हैं, हर आदमी की इतनी इज्जत है, और इतना उसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप सारी इस भोजपुरी फिल्मों का जो पूरा एक जो दौर चल रहा है, ये दौर अपने आप में माइलस्टोन होना चाहिए, और आज भी आज के तारीख में रीजनल फिल्मों में सिर्फ भोजपुरी ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। नहीं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बैन नहीं किया गया, उसमें क्या क्रूरिटी पे बैन किया गया, आप उनके साथ जो निर्दयता क्रूरता नहीं कर सकते हैं, कोई भी जानवर को आप यूज करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। लॉ क्या होता है, कानून, देखिए एक जनरल जो स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस के अलावा कुछ नहीं है, जो चीज़ आप सही करते हैं वो सही है, जो गलत करते हैं गलत है। एक जानवर जैसे आप कहें, अगर समझो कोई घोड़ा हो या कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो जिसको आप यूज़ करें फिल्मों में, उनके साथ निर्दयता नहीं होनी चाहिए, सरकार ये बोलती है, और इसलिए आपको सर्टिफिकेट एफिडेविट देना पड़ता है जो कि उसकी संस्था गवर्नमेंट की, वहाँ से कन्फर्म करते हैं कि ये इसके साथ कोई क्रूरता नहीं, निर्दयता नहीं। सिमिलरली आप किसी आदमी के साथ नहीं कर सकते, बच्चे के साथ नहीं कर सकते, तो ये रूल सही है, बैन नहीं है, इस बात में थोड़ा स्पेसिफाई और क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है। वेलकम।